जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी शहर के व्यापारियों ने प्रधान हेमराज संख्यान की अध्यक्षता में उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी को प्रवासियों के पंजीकृत हेतु ज्ञापन सौंपकर महत्वपूर्ण विषयों हेतु संज्ञान लेने की आग्रह किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक घुमारवी व कराधान आबकारी विभाग सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि घुमारवी उपमंडल के आसपास के क्षेत्रों में प्रवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये प्रवासी या तो रेहड़ी लगाते हैं या गांव-गांव घूमकर अलग अलग सामान बेचते हैं, परंतु इस प्रवासियों का पूरी तरह से स्थानीय थाने में पंजीकृत नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बन रहा है, जिसे सारे व्यापारी वर्ग तथा स्थानीय लोग चिंतित हैं। यदि इनमें से कोई व्यक्ति कोई वारदात कर देता है तो उसे किस प्रकार चिन्हित किया जा सकता है। घुमारवी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रवासियों के कारण घुमारवी की जनता व आसपास के क्षेत्रों लोगों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, जिसके कारण सभी लोगों में प्रशासन के प्रति रोष पनप रहा है। जो प्रवासी हैं यहाँ पे आते हैं तो उनके ऊपर जो जो इनके लिए मापदंड हैं वो लगातार ही किए जाएंगे, जब तक जो कारोबार ये यहाँ करेंगे वो अपने जो इनके नियम हैं उसमें ध्यान नहीं कर सकते, ये लगातार ही कारोबार होनी चाहिए। व्यापारी वर्ग घुमारवी के द्वारा ये ध्यान में लाया गया है कि कुछ प्रवासी यहाँ पे वस्तुएँ बेच रहे हैं और ना तो उनका कोई प्रॉब्लम, नो डाउट ये लंबा काम है, लेकिन इसकी टाइम फ्रेम फिक्स करेंगे हम लोग ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इस सारी वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाए। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें विशेषता हमने दो तीन बातों का जिक्र किया है। एक तो जो बाहर से पहले बन जाते हैं, कभी कुछ सामान बेच रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान करके उनको पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए और उसके बाद ही उनको अलाउ करना चाहिए कि अपना सामान बेच सकें।